ऐसे लोग होते हैं जो आपको किसी तरीके से हर्ट करना चाहते हैं, आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, तो आपकी सपोर्ट सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगता है। खाली मिरर नॉर्थ में अगर आप मिरर लगा देते हो, नॉर्थ में मिरर लगाने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मिरर लगाते हो तो भी आपके घर में सुख शांति और सुकून लेकर के आता है, ठीक है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट में मिरर लगाते हो तो आपके सोशल कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं, आपका नेम फेम अच्छा हो जाता है। इसीलिए मिरर्स को बहुत ध्यान से लगाना चाहिए, सीलिंग मिरर्स नहीं लगाना चाहिए, जगह जगह मिरर्स नहीं लगाना चाहिए। एक और खास बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके बेडरूम में बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कभी भी, नेवर एवर, ठीक है। जिनके भी बेड के सामने मिरर होता है, जब ये हमारा बेड है ये सामने मिरर है, या मिरर बेड मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप सपोज आपका, तो क्या होगा लेटर और सुनर वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम्स फिजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। या अगर वो हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टर्बेंसेज आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, झगड़ा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए बेड के सामने कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज अवॉइड। अगर है तो आप उसको कवर करके रखिए, बाय द टाइम यू आर स्लीपिंग ओवर देयर, दिन में इतना कोई इशू नहीं बनता, लेकिन जब आप रात को सोने जाते हो तो आपको उसको कवर कर देना चाहिए। इवन बेड के सामने टीवी भी नहीं होना चाहिए, टीवी ऑल्सो वर्क लाइक अ मिरर। मतलब किसी में झगड़ा लगाने का हस्बैंड वाइफ में उसके घर में मिरर लगा दो उसके बेड के सामने, आपको सर कोई पैसे नहीं दे रहा हो ना क्लाइंट आपको मेरे घर में डिस्टर्बेंस करा नहीं सर किसी का नुकसान नहीं करना। क्लाइंट लोग काफी टाइप के जो है ना, जैसे हम लोग मूड लाइटिंग करते हैं बेडरूम में, मूड लाइटिंग होती है, मिरर की भी डिमांड रहती है उन लोगों की, काफी लोगों की रहती है। तो सर मैं बताता हूँ, अगर जैसे मैं बताता हूँ देखिए हमारा जो फर्ज है ना, हमारा फर्ज ये कि हम सही बात बतानी जरूर चाहिए, आप मानते हो या नहीं मानते हो वो आपका आपकी बात है, लेकिन अगर अपने को कोई सही बात पता है तो इट बिकम्स आवर ड्यूटी कि भाई एटलीस्ट हम आपको गाइड तो जरूर करेंगे कि देखिए ये गलत है ऐसा मत करिए। और इन केस अगर वो फिर भी नहीं मानते तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मिरर ऐसे लगाना चाहिए जिससे उसमें बेड रिफ्लेक्ट ना हो। जैसे मैं मान लीजिए ये बेड है सपोज, ठीक है अपन ऐसे सो रहे हैं, ये बेड है ना जैसे सो रहे हैं, सामने अगर मिरर लगा तो बेड रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन बेड अगर इस वाली वॉल पे लगा तो बेड उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, मिरर लगा मिरर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या बेड अगर इस मिरर इस वाले कॉर्नर पे लगेगा ऐसे लगा तभी बेड रिफ्लेक्ट नहीं होता, बेड उसमें दिखना नहीं चाहिए। और मिरर को कोशिश यही करनी चाहिए ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे ही लगाना चाहिए। ईस्ट और नॉर्थ वॉल के अलावा अगर आप कहीं भी मिरर लगाते हो तो वो डिस्टर्बेंस करते ही करता है, क्योंकि मिरर के अंदर क्या होता है, मिरर के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो किसी भी चीज़ को 16 टाइम्स बड़ा कर देता है, ठीक है। इसीलिए सही डायरेक्शन में लगेगा तो उस डायरेक्शन की एनर्जी को बढ़ा देगा, गलत डायरेक्शन में लगेगा तो उस डायरेक्शन की बैड एनर्जी को बढ़ा देगा, इसीलिए मिरर नहीं लगाते। साउथ ईस्ट इज द जोन ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज द जोन ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब इसका एलिमेंट अर्थ होता है, ठीक है। तो वाटर इन दिस जोन कैन डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ, पानी इस डायरेक्शन का, जो पानी होता है, पानी का मतलब ये है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बाथरूम, ठीक है, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए साउथ वेस्ट में कभी भी पानी नहीं होना चाहिए, ये ड्राई डायरेक्शन जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, स्टोर के लिए अच्छा है, बेडरूम के लिए अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर एनी काइंड वाटर एक्टिविटी ओवर हियर, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे नहीं बनाने चाहिए। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत छोटी सी है लेकिन लाइफ को इफेक्ट कर जाती है, शायद उसके बारे में आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता होगा, और इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द बाथरूम, दैट इज घड़ी, क्लॉक, ठीक है। घड़ी से मतलब ये वाली नहीं है, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। वॉल क्लॉक हम प्लेस कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता वॉल क्लॉक प्लेस करने से भी हमें फायदा या नुकसान हो रहा है,